योगी की पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन से बदमाशों में हड़कंप। आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा सुल्तानपुर। ठोका गया 1 लाख का इनामी, 9 की तोड़ी गई कमर। बुलडोजर एक्शन पर बेशक सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई हो, लेकिन योगी की पुलिस अपराधियों की कमर तोड़ने के अलग अलग रास्ते निकाल रही है। एनकाउंटर के जरिए बदमाशों को सबक सिखाया जा रहा है। इसी बीच सुल्तानपुर एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को ठोका है जिसने बीते दिनों प्रदेश में जमकर आतंक मचाया था और अब पुलिस के आगे वो गिड़गिड़ा रहा है। सुल्तानपुर में बीते दिनों ज्वेलरी शॉप में डकैती हुई थी जिसमें एक आरोपी मंगेश यादव को पहले ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, जिस पर विपक्ष ने जमकर सियासत भी की, पुलिस को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सबूतों ने सपा नेताओं का एक झटके में मुंह बंद कर दिया। अब ऐसे में पुलिस ने इस मामले में एक और 1 लाख के इनामी अजय यादव उर्फ डीएम को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अजय डकैती के बाद से फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन अब एसटीएफ, एसओजी और पुलिस को उसके छुपे होने की खुफिया सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की टीम ने उसे पकड़ने के लिए दबिश दी तो अजय भागते हुए पुलिस पर ही फायरिंग करने लगा, जिसके बाद क्या था, पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और अजय गोली लगने से घायल हो गया और बदमाश को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार कर लिया। सुबह एसटीएफ को सूचना मिली और पुलिस को सूचना मिली कि दो संदिग्ध बाइक लेके जा रहे हैं। इस संबंध में पुलिस ने घेराबंदी की, जिस घेराबंदी में अपराधी ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की मारने के उद्देश्य, जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी। अभियुक्त का नाम अजय यादव उर्फ डीएम है। ये वही अपराधी है जिसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित है और ये जो ठटेरी बाजार में लूटपाट की घटना हुई थी उसमें वांछित चल रहा था। इसके पास से करीबो करीब 4 केजी सिल्वर बरामद हुआ है, साथ में तमंचा भी बरामद हुआ है। अभी तक इस घटना में कुल 9 लोगों की अरेस्टिंग हो चुकी है, इसमें से एक अभियुक्त जो है जिसका नाम मंगेश है वो पहले ही पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। अभी तक डकैती के इस केस में 9 बदमाशों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें से एक की मौत भी हो चुकी है, जबकि अजय इन बदमाशों में काफी शातिर बताया जा रहा है, क्योंकि उसके पास से पुलिस ने 4 किलो चांदी और तमंचा भी बरामद किया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक एनकाउंटर में पकड़े गए अजय यादव पर 5 मुकदमे दर्ज है। छिनैती, चोरी, डकैती के कई केस शामिल है। 3 केस जौनपुर, 1 प्रतापगढ़ और 1 सुल्तानपुर में केस दर्ज है। तो डकैती में शामिल अजय जौनपुर का ही रहने वाला है। बता दें कि सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में डकैती का ये मामला काफी हाई प्रोफाइल है, क्योंकि इससे पहले जिस मंगेश यादव को एनकाउंटर में मार गिराया था वो भी जौनपुर का ही रहने वाला था। इन लोगों ने मिलकर एक ज्वेलरी शॉप में गन पॉइंट पर डकैती की और वहां से फरार हो गए। मंगेश एनकाउंटर को लेकर काफी विवाद भी हुआ। नेताओं और परिजनों ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर पुलिस के साथ साथ योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने सीसीटीवी और तमाम साक्ष्यों को पेश करते हुए दावा किया कि मंगेश यादव ने साथियों संग सुल्तानपुर में डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। मंगेश पर पहले से ही 7 मुकदमे दर्ज थे, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर अखिलेश यादव ने सियासी कार्ड खेलने की कोशिश की। पीड़ित परिवार से मुलाकात तक करने पहुंच गए और आखिर में सबूतों ने ही अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर।